नाज़रीन सलामुअलैकुम, आज हम मौजूद हैं पेपर मार्केट में और यहाँ पे जश्न आज़ादी के हवाले से जोश और खरोश तैयारियाँ जारी हैं और आए पूछते हैं व्यूवर से कि उनका क्या कहना है। आइए पूछते हैं लोगों से भी कि यहाँ पे इनकी तासुरत कैसे हैं। आइए आपने स्टॉल लगाया है कब से? ये अभी द्वार से लगाया है। अच्छा, कितने की चीजें हैं ये? बैंड वगैरह कितने का है? झंडा वगैरह ये अलग अलग रेट है इनके। ये छोटा झंडा पड़ा हुआ है, उठाएं ये वाला। ये कितने का है? ये बाइक का 30 रुपए का दाना है। बाइक का 30 रुपए दाना है। और ये जो पड़ा हुआ है ये 100 रुपए का बाजा है। बच्चों लोग के लिए ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसमें सब आर्टिकल है। 14 अगस्त के आइटम है, परचम है, झंडा है, बाबजी का मजार भी है, पूरा आइटम है पूरा। ये फ्री में लगा रहा हूँ बच्चों लोग के लिए, फ्री में, बच्चों बड़े हो फ्री में लगा रहा हूँ। मजा खुशी के पाकिस्तान की खुशी में, 14 अगस्त की खुशी में, फ्री में। कब से स्टॉल लगाया आपने? तकरीबन 15 दिन हो गए जी। 15 दिन हो गए। अच्छा जी, तो ये झंडे कितने के दे रहे हैं आप? आपकी क्या रेट है? ये हम कम से कम रेट में देते हैं यहाँ पर। ये मार्केट ऐसी है कि जो होलसेल भी है और रिटेल भी, लेकिन रेट बहुत कम होते हैं यहाँ पर। तो क्या रेट है जी झंडे, क्या रेट है? समझ लीजिए 20 रुपए का झंडा है। आप 20 रुपए का दे रहे हैं? 20 रुपए का झंडा है ये वाला। ये वाला और तो ये है कि ग्राहक आराम से ले लेता है। और आपके क्या क्या चीजें हैं? बैज वगैरह भी हैं? बैज उठाएंगे आप? हमारे पास है, ये बैज है हमारे पास जी। ये जी। 10 रुपए ग्राहक को देते हैं। दरअसल महंगाई इतनी हो गई कि ग्राहक जो है वो 10-20 रुपए से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन ये है कि बस ग्राहक ले रहा है, जाहिर पाकिस्तानी है, उसको लेना तो है, लेकिन वो जितना कुछ खरीदता था पहले वो इतना नहीं खरीद पा रहा है इस वक्त। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं वतन के लिए, और ये जज्बा है कौम के अंदर, खरीदारी कर रही है। देखें मार्केट के अंदर कितना मजमा है और ये सारे खरीदार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से लोग बड़े जज्बे से खरीद रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब से स्टॉल लगाया हुआ आपने? आज ही लगाया भाई। आज ही लगाया? तो कितने की टी शर्ट दे रहे हैं, क्या साइज है आपके पास? प्राइस है भाई। और जो आपने पहनी हुई आपने लगाई हुई कितने की? मैंने लगाई हुई 300 रुपए की। ये 300 रुपए की। कितने बच्चों तक के साइज है? कितने बड़े बच्चों के साथ? ये मेन साइज है भाई, मेन साइज है, 12-13-14 साल के बच्चों का साइज है। तो सर बड़े बच्चों के साइज आपके पास नहीं? इससे बड़े बच्चों के साइज खत्म हो गए, जो बड़े बच्चे होते हैं आपसे भी बड़े उनके साइज खत्म हो गए, खत्म हो चुके हैं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्टर कितने के हैं, क्या रेट हैं? ये वाले 120 रुपए के। और कितने गज के? कितने गज के ये वाले जो बना हुआ है? 2.25 गज का है और 40 इंच का अर्ज है इसका। इसका भी 40 इंच का अर्ज है। तो पिछले साल भी लगाया था या इसी साल लगाया? इसी साल लगाया। इसी साल लगाया। तो क्या ख्याल है, काम है या नहीं? बस वैसे इस वक्त थोड़ा सा मतलब डाउन है, इतना अच्छा खास काम नहीं है। वालेकुम सलाम। ये बैग लगे आप घूम रहे हैं, इसकी क्या रेट है? ये सर 150 रुपए का, अगर 2 लोगे 250 रुपए के 2 लगाऊंगा। और ये जो छतरी लगी घूम रहा है मेरा, 350 रुपए की है, 600 रुपए में 2 देता हूँ मुनासिब रेट के साथ होलसेल में। तो दिन में सेल हो जाती है? जी हो जाती है, कुछ ना कुछ बच जाता है, 1200-1200 रुपए बच जाते शाम तक। तो हर साल आप लगाते हैं ये? जी हर साल का ये काम है। पिछले साल बेहतर था ये इस साल बेहतर? पिछला साल बेहतर था, इस साल में काम नहीं है। क्यों, क्या वजह? इस साल में असल में बकरा साथ आ गई है, इसीलिए साथ में मज़ा नहीं रहा काम के अंदर। तो पिछले साल काम का मज़ा था या इस साल मज़ा? जी पिछले साल भी मज़ा था, मगर इस दफ़ा भी अब माशाल्लाह बहुत जोश व खरोश नज़र आ रहा है। हालांकि जो कि आप
اللہ پاک نے اس دفعہ ہمیں دو ایک خوشیاں عنایت فرمائی تھی، مسلمانوں کا عظیم تہوار عید الاضحیٰ بھی تھا، اس کے بعد پاکستانی جو حب الوطنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس اپنی آزادی کو نہ بھولتے ہوئے جوش و خروش سے آ رہے ہیں، خواتین بچے اور بچے اپنی کوئی خاص چیزیں، لیڈیز کے لیے شال وغیرہ ہیں، کیپس ہیں، بچوں کے لیے ٹوپیاں، بیجز، جھنڈے وغیرہ انشاءاللہ لے رہے ہیں بچے جی۔ یہ جو آپ نے کیپ پہنی ہوئی، کیپ کتنے کی ہے؟ آپ نے اپنی شاپ سے لی ہے یا کسی اور شاپ سے؟ نہیں، اپنے پاس ہی ہے، یہ کیپ 100 روپے کی ہے اور اس کے علاوہ چھوٹی جو 30 روپے کی کیپ ہے بچوں کے لیے وہ دے رہے ہیں، اور میں نے یہ اگر روپ ڈالا تو یہ یکم اگست جیسی ہوتی ہے میں اپنے آپ کو یہ ڈالتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسل کو یہ ہمارے آزادی کا جوش و خروش اور آزادی کا پتہ چلتا رہے جی۔ بولو آپ یہاں کیا کرنا ہے؟ میں یہاں پر جشن آزادی کے کپڑے خریدنے آیا ہوں۔ اور کیا کیا خریدا آپ نے؟ میں نے جھنڈے خریدے اور باجے خریدے اور کپڑے خریدے اور آپ نے اپنا گھر سجایا؟ جی سجایا۔ سجایا اپنا گھر؟ جی۔ اور کیا کیا لگایا بتاؤ؟ جھنڈیاں لگائیں اور لائٹیں لگائیں اور بلب لگائے۔ چلو پاکستان کا نعرہ لگا دو ایک دفعہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اس کی قیمت 70 روپے تبدیلی آ گئی ہے، 20 روپے کا ٹیکس ہے، یہ 50 روپے کی ہے۔ چودہ اگست کے حوالے سے یہ چوڑیاں کون پہنتی اور کیوں پہنتی؟ یہ 14 اگست آتا ہے سال میں ایک دفعہ، ہم لوگ چوڑی بوڑی بیچنے آتے، اگلے سال تو بہت کاروبار تھا، اس سال میں بارش آ گئی، کاروبار کچھ بھی نہیں۔ آپ بھی 14 اگست مناتے ہو؟ ہم لوگ سب بناتے ہیں، پاکستان میں سب رہتے ہیں، سب بھی بناتے ہیں۔ اچھا، ایک ہندو برادری کے حساب سے آپ کیا چاہتی ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے؟ ہاں حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے۔ پاکستان کا ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ یہ بچی کے لیے کچھ خریداری کرنی تھی، جھنڈے وغیرہ 14 اگست کے حوالے سے۔ کیا کیا خریدا اور کیا کیا رہ گیا؟ ابھی تو جھنڈا لیا ہے، کچھ کلپ وغیرہ لیے، ابھی چوڑیاں لینی ہیں، بہت کچھ لینا ہے ابھی تو۔ کیا کہیں گے 14 اگست کے حوالے سے؟ کشمیر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کشمیر کے حوالے سے تو اتنا کہوں گا کہ کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اور ہماری حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے کشمیر کی عوام کے لیے، اور ہماری عوام کو بھی کچھ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، صرف کشمیر میں نہیں بلکہ پورے بھارت میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے جی۔ تو 14 اگست والے دن کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس جھنڈے لگانے سے کیا پیغام جا رہا ہے دنیا میں، کیا پیغام جا رہا ہے؟ اور اس کی خریداری آپ نے دیکھی اور خود بھی دیکھی آپ نے؟ خریداری تو پھر بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور پیغام یہی دیں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اور ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اور آخر میں اتنا کہوں گا پاکستان زندہ باد۔ انکل یہ والا ہے 350 کا ڈبا، والا 250 کا ڈبا ہے۔ اچھا، کتنے سال کی عمر کے بچوں کا، بڑوں کا آپ بتا، عمر بھی بتا دینا۔ یہ جیسے کہ 22-23 سال کی عورت پہن سکتی ہے، 30 سال کی عورت بھی پہن سکتی ہے، 2 سال 2.5 سال بچوں کے بھی ہے، ہر سائز کے ہے۔ اچھا، یہ پاکستان کے جھنڈے سے مناسبت سے آپ نے یہ رکھی ہوئی ہے جی، کہ یہ ہر سال رکھتے ہیں یا عام دنوں میں بھی بکتا ہے؟ نہیں، یہ خالی 14 اگست کے مہینے میں ہمیں یہ بس کاروبار ملتا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ۔ اچھا، پچھلے سال بھی آپ نے لگایا تھا؟ اب تو ہر سال ہو گیا ہمارے کو لگاتے ہیں۔ اچھا، پچھلے سال کی نسبت اس سال کی کیا فرق پڑا ہے اس میں؟ اس سال تو ہم لوگ دھو گئے جیسے پانی میں دھو رہے ہیں، اگلے سال بہت اچھا تھا ہمارا، بہت اچھا جا رہا تھا، اس سال تو ہمیں رو رہا ہے، ہم لوگ کو اس میں کوئی منافع نہیں مل رہا، جیسے دام اس کے بہت زیادہ ہو گئے، بیچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ ہر حال میں اب یہ نبھائیں گے، یہ کر آئے ہیں وعدہ بڑا، کھیل چھوڑ اپنا گھر بار گئے، جب وقت آیا ہر بار گئے، جو تیرا نام پلے آئے۔ یہ کتنے کتنے کے رپورٹ دے رہے ہیں آپ جی؟ کتنے کی رپورٹ ہے؟ 150 کا 100 کا۔ اور جوڑی کتنے کی؟ جوڑی 150 کی اور یہ 60 کی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جوڑی اور یہ دوپٹے سنگل بھی ہے۔ یہ کیا خریدا آپ نے؟ ہم لوگ نے 14 اگست کے کپڑے خریدے۔ کیا کیا خریدے؟
बेच खरीदे और 14 अगस्त का कायदे आजम का वो कार खरीदे और बस। हम 14 अगस्त क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के साथ हम एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो हिंदू मजहब थे, मुस्लिम मजहब थे, तो हमारी उनके साथ नहीं बनती थी, इसलिए हमने जदोजहद की और कोशिश की और हमें आजाद मुल्क की ज़रूरत थी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, जैसे आजकल जो टेंशन चल रही है ना इंडिया पाकिस्तान की, तो इसलिए इंशाल्लाह पाकिस्तान तो हमने हासिल कर लिया, इंशाल्लाह हम कश्मीर भी इनसे लेके रहेंगे और इस 14 अगस्त को मनाने के लिए हम इसलिए हैं कि हम अपने मुल्क में बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह कश्मीरियों को भी हम अपना मुल्क दिला के रहेंगे, इंशाल्लाह वो भी इसी तरह जश्न आज़ादी मनाएंगे जैसे हम मना रहे हैं और माशाल्लाह बहुत गहमा गहमी है और हमें बहुत खुशी हो रही है। इतने बारिश के बावजूद माशाल्लाह बहुत पब्लिक निकली है 14 अगस्त मनाने के लिए। मैंने बच्चों के लिए सब कुछ खरीदा, जो बच्चों के आइटम है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, यहाँ के एक साल की बच्ची के लिए मैंने सूट खरीदा और इंशाल्लाह खुद के लिए भी खरीदूंगा। मैं एक गरीब बंदा और अच्छे तलादों पर, क्योंकि हम खुश हैं, इसलिए हम इस दिन को बहुत खुशी से मनाते हैं और जितना हमारे हाथ में तौफीक हो तो हम करते हैं। रेट तो काफी ज्यादा है, जश्न आजादी मनाने कुछ काम पाकिस्तान से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत है और इंशाल्लाह अगर हमारी जान की भी जरूरत है इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। पढ़ते हो? जी हाँ। तो फिर इस वक्त 9 क्लास में। हर साल बेचते हो या? हर साल बेचते हैं हम। पिछला अच्छा काम था या इस साल? इस साल इतना नहीं है, पिछले साल बहुत ज्यादा था। इसके अलावा फ्री टाइम में क्या करते हो, स्कूल कॉलेज के अलावा? फ्री टाइम में स्कूल का काम करना होता है हमारे। इसके अलावा क्या करते हो, कोई काम करते हो या आप? स्कूल का काम होते ही काम, बाइकों के काम पे जाना होता है, बाइकों का काम करके फिर वापसी आना होता है। बाइक पूरी खुद ही बना लेते? जी हाँ। जी बच्चे आप क्या करना है? मैं वो ईद के जश्न आज़ादी के कपड़े खरीदना है। अभी तक आपने क्या क्या खरीदा? ये बाजा खरीदा और कपड़े खरीदे ईद के। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। मेरा नाम एसएम जफर कालिया है। इस वक्त हम कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत हमारे ना पोजीशन से ही काम कर रही है, हमारे ना मीडिया से ही काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारा मीडिया सही होता, हमारी पोजीशन सही होती, हमारी गवर्नमेंट सही होती, तो इंडिया की मजाल नहीं थी कि वो कश्मीर के बारे में कुछ कहता। हमारा कुछ मकसद ही नहीं है, बस उसको कर लो बुरा कहते, उसको बुरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे क्या करना है? मैं 14 अगस्त के कपड़े लेने के लिए। अभी आपने क्या क्या लिया? एक ये और 14 अगस्त के कपड़े। और 14 अगस्त में क्या हुआ था? 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी। ये बाजा बजा के देखो। ये कमांडर पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हम सब आज़ाद हुए, इसकी वजह से हम सबकी खुशी है इसमें कि हमको आज़ादी मिली, इसकी वजह से। आप हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है, हाँ। तो आप भी पाकिस्तान से इतने ही प्यार करते हैं? हम तो करते हैं, हमारा पैदाइशी यहाँ पर है, पैदाइशी यहाँ पर है, हम तो इससे प्यार करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर निकलते हैं, इज्जत से निकलते हैं। मौके पर नारा लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पर हम झंडे खरीदने आए और झंडे शॉपिंग। अभी क्या क्या खरीदी? अभी तक क्या क्या लिया? अभी ये लिए बाजे बाजे जी। और क्या क्या लेना? अभी झंडे वंडे लेने और कपड़े। घर सजाया आपने? अभी नहीं। तो कब सजाओगे? कल तक सज जाए। कल तक सज जाएगा।